SBI कार्ड का IPO आने वाला है। अप्लाई तो सभी लोग करते हैं लेकिन सबको मिल नहीं पाता, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जिनको नहीं मिलता उनको बहुत ख़राब लगता है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों। SBI कार्ड का IPO अगर आपके हाथ से निकलता है तो इससे भी अच्छा IPO जो है आपको नेक्स्ट 1 या 2 मंथ ही लगेगा, लेकिन आपको वहाँ पर अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों मैं उस IPO के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, जो SBI कार्ड अगर आपसे छूट जाता है तो आप उसमें जो है जम के पैसा लगाइएगा, ठीक है। और उसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो वो है दोस्तों LIC का IPO। मान लेते हैं कि आपने अप्लाई किया SBI कार्ड के लिए, आपको नहीं मिला। अगर आप अगर देखोगे तो दोस्तों हर एक सप्ते में जो है नए नए IPO आते रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है मान लीजिए 1 महीने में 2 या 3 IPO आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी IPO रहते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं और वो भी अच्छा से अच्छा रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह है दोस्तों एक छुपा रुस्तम स्टॉक है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। LIC का जब IPO आएगा दोस्तों तो उसमें आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट होगा। अब आप पूछेंगे कि LIC में अगर IPO आता तो हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट क्यों मिलेगा, क्योंकि देख लीजिए आपने बहुत सारे बैंक के नाम सुने होंगे, ठीक है। उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत होगा, जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, SBI का लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, बहुत सारे हैं दोस्तों। तो लाइफ इंश्योरेंस सबका है, ठीक है, ICICI का भी है, लेकिन आपने कभी सोचा सबका अलग अलग है, ठीक है। लेकिन LIC का दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी आएगा वो सिंगल रहेगा। अगर कहीं पर भी घर घर में जाके पूछोगे तो आपको LIC का नाम तो जरूरी पता होगा, जरूर। मतलब अगर छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है कि LIC है, मान लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में उनको पता है, LIC के बारे में ये वर्ड भी उनको मालूम है, लेकिन अगर आप उनको बोल दीजिएगा कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, हिचकिचाहट होता है, क्योंकि कभी HDFC का नाम आता है, कभी ICICI का, एक्सिस बैंक का आ जाता है, कभी किसी भी बैंक का आ जाता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा लगता है कि अच्छा इसका भी है वो भी है, लेकिन लोग उसी के पास जाते हैं जो पहले से है और एक बिलीफ सिस्टम होता है। जैसे SBI कार्ड में क्या हो रहा है दोस्तों, बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसका IPO जो है 700 के आसपास जो है आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो SBI कार्ड के लिए तो दोस्तों एक हायर प्राइस में जो है आप अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपको मिलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहे, ठीक है। आप लोअर प्राइस या बिड मत लगाइएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। उसी तरह मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर LIC का IPO आ रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, भले ही आपको 1-2 महीने टाइम लगे, लेकिन दोस्तों इस IPO में मुझे लगता है कि आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, जब ISETC का IPO आ रहा था सभी लोग ने लिया था, ठीक है, लिया था बहुत अच्छा तरीके से लिया था। लेकिन दोस्तों जब उज्जीवन फाइनेंस में स्मॉल फाइनेंस बैंक का जब आया था दोस्तों, उसमें क्या हुआ था 50 के आसपास, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है लोग इंटरेस्टेड थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अगर देखोगे तो बैंक का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि नहीं। अगर उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में देखोगे तो दोस्तों बहुत सारे बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हैं, तो सभी लोग हैं अपना अपना दुकान अलग अलग से खोल देते हैं कि मैं भी जो है लाइफ इंश्योरेंस के लिए दूंगा, मैं भी दूंगा। लेकिन दोस्तों एक आता है जो रहता है दोस्तों मनी मेकर, होता है ना, एक मेकर होता है, ठीक है, और एक टेकर होता है। मेकर का मतलब दोस्तों जो बना देता है, टेकर का मतलब जितने भी सारे कंपनी है, जितने भी सारे बैंक है, वो क्या है, टेकर है दोस्तों, वो लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे अगर चीज़ में देखोगे ना तो आपको अच्छा से अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको SBI कार्ड में नहीं हुआ तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, अगले बार तैयार रहिएगा, इसमें आपको अच्छी तरीके से पैसा लगाना है। आप चाहो तो 1-2 एक्स्ट्रा अकाउंट भी खोल सकते हो, जिससे आपकी संभावना बढ़ जाए IPO आने के लिए, ठीक है, संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो आपको LIC का IPO में पैसा लगाना चाहिए, अच्छा आपको प्रॉफिट देगा, और हो सकता है कि ये आपको ISETC से भी अच्छा जो है प्रॉफिट निकाल के दे। क्योंकि दोस्तों हर एक मार्केट में दो चीज़ होता है, आपने कहीं पर देखा होगा, एक होता है मोनोपोली, एक होता है ड्यूलोपोली, ठीक है, एक होता है ओलिगोपोली। तो मोनोपोली क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है, और ड्यूलोपोली क्या होता है, सबसे पहले ड्यूलोपोली बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं SBI के बारे में, अगर दोस्तों SBI कोई भी चीज़ करता है, ठीक है, तो उसके पीछे और भी बैंक है, उनसे बड़े और अच्छे अच्छे भी बैंक है, जैसे देख लो HDFC, कोटक, मतलब और भी बड़े बड़े हैं। तो वो क्या सोचेंगे, कंपटीशन में आगे जाने के लिए वो भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देंगे, जिससे जो है, देखिए कस्टमर उतना ही है, समझ में आ रहा है ना, कस्टमर लिमिटेड है, कंपनी अनलिमिटेड होते जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जैसे कस्टमर जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे, अभी जियो, एयरटेल और जो वोडाफोन था, लेकिन वोडाफोन से क्या हो रहा है कि कस्टमर हटने के बाद, जो जितने भी सब्सक्राइबर है दोस्तों हटने के बाद, अब कहाँ जा रहे हैं, एयरटेल में जा रहा है, कोई जियो में जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों कि उसका जो है मार्केट जो भी है उसका डाउन हो जा रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर SBI कुछ करता है तो उसके पीछे और भी हैं लोग जो करने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों वो क्या था, ड्यूलोपोली। अब मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली एक ऐसा चीज़ है
जो सिंगल होता है, मार्केट का किंग होता है दोस्तों, अब वो मेकर होता है, ठीक है, वो बनाता है, वही हर एक चीज़ करता है। उसी तरह दोस्तों LIC इतना बड़ा ब्रांड है दोस्तों, ट्रस्ट है, लॉयलिटी है दोस्तों, इतना बड़ा है, इतना बड़ा किसी को बनने के लिए टाइम बहुत चाहिए, और ऊपर से दोस्तों इतना टाइम चाहिए और बनना बहुत मुश्किल है जितना LIC दोस्तों पूरे इंडिया में बन चुका है, ठीक है। तो इंडिया क्या, जो LIC क्या होगा दोस्तों, वो IRCTC जैसा जो है मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट तो होगा, LIC का IPO में तो प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितना सोच नहीं सकता उससे भी अच्छा आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं बोलूँगा अगर आपको नहीं मिलता है SBI कार्ड का IPO तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम अच्छी तैयारी कर लीजिएगा जिससे आपको LIC के IPO में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बन जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन सा स्टॉक आपको खरीद कर रखना ही रखना है, उसके बाद कौन सा स्टॉक से आपको एग्जिट करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिए, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।